हमारा क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर के समान रूप से वितरित द्रव्यमान और 1 मीटर त्रिज्या के गोले की अवधारणा कीजिए और 1 व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि गोले के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण को आई से प्रदर्शित करते हैं इनर्शिया। तो व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? 2/5 m r2। तो यहां हमें r दे रखा है 1 मीटर और m हमें ज्ञात करना है। अब m ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें प्रश्न में द्रव्यमान दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम प्रति घन सेमी, 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर दे रखा हुआ है, प्रति घन मीटर दे रखा। तो इसको हम डायरेक्ट इस जगह पर नहीं रख सकते क्योंकि ये प्रति घन मीटर में दे रखा। तो हमें ये द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करें? गोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि गोले का आयतन के सूत्र में लगाएंगे, गोले का आयतन में ही तो है वितरण। तो गोले का आयतन का सूत्र निकालेंगे। गोले का आयतन होता है गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 πr³। तो आयतन निकालेंगे तो आयतन में ही यानी कि प्रति घन मीटर में 1 किलोग्राम आता है। तो आयतन निकाल लेंगे 4/3 और पाई का मान होता 22/7 और आर का हमें 1 ही दे रखा, तो 1 का हम 1 मीटर दे रखा तो 1 क्यू कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 88/21 ये हो जाएगा हमारा आयतन। किलोग्राम ये आ जाएगा हमारा आयतन। तो हमको पता रखा है कि जो दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर में है, तो 88/21 जो घन मीटर है इसमें कितना द्रव्यमान आएगा? तो इसमें द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारा? 81/1 घन मीटर में इतना आता है, तो इतने घन मीटर में कितना द्रव्यमान आएगा? तो ये हो जाएगा 88/21 kg हो जाएगा हमारा द्रव्यमान। कितना आ गया? 88/21 kg आ गया। अभी इसको हम इस जगह पर इनपुट कर देंगे और यहाँ से हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको यहाँ पे इनपुट करेंगे तो 2/5 × 88/21 और आर हमें दे रखा 1, तो 1 स्क्वायर। तो इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद में हमारा आ जाएगा 8 × 2 = 16 × 17 = 105। अब इसका इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर हमें 176/105 कितनी बार जाएगा? 1 बार 105 बाकी किया
71, 0 तार दशमलव लगाया, फिर 6 बार जाएगा, 30 बाकी करेंगे, 8 फिर उतारेंगे, फिर 7, 7 3 5, 5 6, तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये कितना मान आ जाएगा हमारा, 1.67। तो हमारा क्या है, 1.67 आंसर आ जाएगा इसका, जड़त्व आघूर्ण 1.67 केजी मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।